केरला इंडिया का 1.2% लैंड कवर करता है और 589.5 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है केरला में, जो कि इंडिया के टोटल कोस्ट लाइन का 10% है। और इसी वजह से फिश यहाँ के लाइवलीहुड का एक सोर्स है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ की इकोनॉमी में। गवर्नमेंट ऑफ केरला डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की वेबसाइट से मुझे ये पता चला कि केरला में लगभग 11.4 लाख फिशरमैन हैं, जो कि कई तरीके से फिशिंग करते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड है सीन फिशिंग। सीन फिशिंग मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था केरला में 1980s में, एंड नाउ इट बिकेम द मोस्ट एफिशिएंट वे टू कैच फिशेज। ये मेथड इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि केरला के फिशरमैन को एम्पावर कर सके और उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और आज के दिन आप केरला में कहीं चले जाएं, इस मेथड से फिशिंग करते हुए लोग आपको जरूर दिखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटे लेवल पे मछलियां पकड़ते हैं, जिनमें ये लोग अपनी बोट लेके समुद्र में जाते हैं और जाल फेंक के मछलियां पकड़ते हैं। अचानक से इतना तेज पानी आया, हाई टाइड, यहाँ तक पानी आया। मछली मिला, मछली कहाँ है? इसके अंदर मछली, क्रैब, झींगा सब मिला, कुंदे, एलंड। पानी आया और पानी से ही उठा लिया गया। वो देखे कहाँ तक टाइड आया, यहाँ तक पानी आया और इसी की मदद से ये सरका लिया जाता है। यहाँ पे कई ग्रुप्स हैं जो कि सीन फिशिंग करते हैं, जैसे कि इस ग्रुप का हो गया और ये अपने जाल को समेट रहे हैं। तो सुबह सुबह 4 बजे जाते हैं आप लोग मछली पकड़ने, और कब तक, मतलब कितने बजे, कितने बजे तक पकड़ते हैं मछली? मछली पकड़ते इसका कोई टाइम नहीं है। अच्छा, मतलब शाम भी हो जाता है? शाम भी हो जाता है, मछली रहता है तो पकड़ने लगता है। मछली किस टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है? सबसे सुबह सुबह ज़्यादा होता है। सुबह सुबह ज़्यादा रहता है। तो 2 महीने काम करता है, मतलब ये बरसात के टाइम 2 महीने मछली के काम, 2 महीने हमारे साथ है, दूसरा साथ है। अच्छा, ये जो बरसात का 2 महीना इसी में बस कम मछली का मछली मिलता है? और वैसे आम दिनों में जैसे बारिश नहीं रहता, कितना मछली पकड़ लेते एक बार में? दो सौ किलो, 250 किलो? अच्छा, मालूम नहीं, खुदा को मालूम है। ये तो बात है। और अब ये वाला ग्रुप तैयार हो रहा है फिशिंग के लिए। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देता हूँ आपको इस टेक्निक के बारे में। एक मेथड ये है कि नाव जाएगी समुद्र में और वहीं पे एक लंबा गोल सर्कल बनाएगी जाल से। जाल के नीचे वाले हिस्से में वेट्स होंगे जो कि उसे नीचे पुश करेगा, और ऊपर वाले हिस्से में हॉलो बॉल्स जो कि तैरने में मदद करेगी, जिससे जाल लगभग वर्टिकली सीधा रहता है। जाल फॉर्मेशन से उस सर्कल के अंदर जितनी भी मछलियाँ होंगी वो फंस जाएंगी और जाल को फिर खींचेंगे नाव में। दूसरा मेथड है बीच सीन का, जिसमें फिशरमैन बोट की मदद से एक लंबा घेरा बनाते हैं जाल का बीच के पास, और वही सेम जाल में नीचे की तरफ वेट्स होते हैं और ऊपर की तरफ फ्लोटिंग बॉल्स, जिससे जाल वर्टिकली स्ट्रेट रहे। और घेरा बनाने के बाद दोनों तरफ से उसे खींचा जाता है और उस घेरे में फंसी मछलियाँ बीच के किनारे तक जाल की मदद से आ जाती हैं। इस प्रोसेस को मैंने थलसीरी बीच में देखा होते हुए, और ये देखना वन ऑफ द थिंग्स टू डू इन केरला की आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो अभी 6 आदमी जाएगा ये बोट में मछली पकड़ने के लिए, इधर उधर जाएंगे ना, जाल बिछाएगा और आउट करेगा। अच्छा, जाल बिछाएगा ऐसे करके सर्कल में। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है मछलियां जाल में फंसे ही ना। जैसे ही पानी आता है वैसे ही नाव को थोड़ा और आगे धक्का दिया जाता है और ये लोग निकल गए पानी के साथ। तो 1, 2 मेरे ख्याल से 4 लोग जा रहे हैं। पांच आदमी जा रहा है।
अच्छा छह आदमी तो ये कितना टाइम लगेगा जाल बिछाने में? आधा टाइम होगा। आधा घंटा लेगा जाल बिछाने में, उसका फिर खींचेगा ऐसे आएगा। अच्छा, ऐसे घुमा के पूरा जाल बिछाएगा। तो यहाँ पे देखने कुछ लोग खड़े हैं, इनके हाथ में रस्सी है, ये रस्सी सीधा कनेक्टेड है आगे जाके वहाँ नाव से, नाव वहाँ पे है, नाव पूरा ऐसा सर्कल बनाएगी, हाफ सर्कल, और यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा क्या कि वो रस्सी आदमी लोग रस्सी पकड़ेगा और रस्सी खींचेगा। रस्सी बेसिकली वो जाल है, जाल में मछलियाँ जब फंस जाएंगी तो वो फिर आ जाएंगी, तट पर आ जाएंगी यहाँ तक। अच्छा, और कितना टाइम लगता है पूरे प्रोसीजर में? आधा घंटा लगता है जाल बिछाने में, फिर खींचने में और टाइम लगता होगा, फिर अभी और हो जाएगा। अच्छा, तो ये रस्सी खींचना शुरू कर दिया गया है। बोलो, रस्सी खींचना शुरू कर दिया गया है, कितने देर में मछलियाँ आ जाएंगी? मालूम नहीं, अभी बेचने बात में। अच्छा, हाँ तो मालूम कितना ज़्यादा आया, थोड़ा मालूम नहीं। अच्छा, अब गए तो काली आएगा, पैसा मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, वहाँ जाओ। तो ये लोग इशारा करके बता रहे हैं कि दूसरी तरफ से नाव बीच के किनारे पहुंच रही है घेरा बनाने के बाद। इस मौसम में मछली पकड़ना वाकई में काफ़ी डिफिकल्ट काम है, मतलब हाई टाइड्स है और जब वो पानी यहाँ तक। अब जो लोग नाव में थे वो इधर आ चुके हैं और ये रस्सी खींच रहे हैं। तो बेसिकली ये ऐसे जाल बना है, ये रस्सी ऐसे जा रही है यहाँ पर और कुछ लोग वहाँ पर हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हाफ सर्कल बना है और इस हाफ सर्कल में जाल है, और जाल जब वो खींचेंगे जो उसमें मछलियां फंसी हुई होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोसेस होते हुए देखना ये भी एक एक्सपीरियंस है। अब ये जाल धीरे धीरे करके तट पे आ रही है, मेरे ख्याल से और 10 मिनट लगेंगे सारी मछलियाँ आ जाएंगी। और हाँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये भी एक जुआ है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मछलियाँ फंसती ही नहीं है, एक भी मछली नहीं फंसती। ये लॉटरी है ना? हाँ, लॉटरी कैसा है? जुआ है? हाँ, जुआ की तरह ही है, मिलेगा नहीं मिलेगा। और इतनी मेहनत इनकी ज़ाया जाती है। ये राइट साइड वाले लोग हैं और ये लेफ्ट साइड वाले, और जाल गेरा बस आ ही गया लगभग। मछलियाँ निकल ना जाए इस वजह से घेरा बना दिया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये जाल है ऐसे, और ये, और इस पूरे घेरे को लोगों ने पकड़ के रखा है।
अच्छा कैच है, अच्छा मिला। उसमें भी एक सांप है। ये तो छोटा सांप है, एक बड़ा वाला भी पकड़ा था। कोई तो बड़ा वाला आएगा, अब भी आएगा। झींगा डर लगता है इसको। मैं तब से सांप समझ रहा था। ये मछली है, बाम्बी मछली, बाम्बी मछली नाम है इसका। इसको खाता नहीं है? खाता है, खाता है इसको भी। अच्छा, टाइगर प्रॉन, टाइगर 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 प्रॉन, टाइगर बाम्बू। ये सब झींगा है ना? सब झींगा है। ये भी झींगा है? एक तरफ कुछ लोग यहाँ पे मछली चुन रहे हैं, मतलब सेग्रीगेट कर रहे हैं, झींगा एक तरफ, मछलियाँ एक तरफ, और दूसरी तरफ कुछ लोग इन्हीं की टीम से जाल को समेट के रख रहे हैं ताकि वो कल फिर से अच्छे से यूज़ कर सकें। हो गया तो अच्छा खासा अच्छा मछली मिला। अच्छा मछली थोड़ा है, थोड़ा मछली है। कितना होगा ये? वही तो थोड़ा है, देखो क्या बोलेगा वो, 100 रुपये हो जाएगा। अच्छा, तो इससे कितना, मतलब इससे दुगना तिगना भी होता है? बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने से अभी छोटा छोटा मछली मिला है ना इस बार। अब ये जो भैया है ये मछली को धोने जा रहे हैं, मतलब जो बकेट में मछलियाँ और प्रॉन्स कर निकाल के रखी थी उसे ऐसे पानी से धो दिया। जैसे ये जा रहे हैं, ये वाले भैया जा रहे हैं धोने के लिए। धुल गया ना? ये सारे झींगा हैं। मछलियां सेग्रीगेट करने के बाद इन्हें होलसेल में बेचा जाता है, या अगर कोई ताज़ी मछली के लिए यहां आए उन्हें भी दे दिया जाता है। बीच के ठीक सामने ही है फिश मार्केट और वहीं पर सारी फिशेज बिकती हैं। कुछ ऐसे फिशरमैन फिश पकड़ते हैं केरला में और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ की इकोनॉमी में।